तो कुछ कुरानी हवाले आप दे दीजिए हमें इसी बात में। आपने तो कुछ फाइल नहीं किया। Well, Lord, I prepared a paper book and I can submit it right now, sir. तो आपने कहा था ना दीजिए। जी सर। आयत का जी आयत नंबर है सर सफा नंबर 3 पे जी सूरह हुजरात है सर और उसकी आयत नंबर 6 है उसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है ए ईमान वालों अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचा दो फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। सही। दूसरी आयत है सर सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 है ए ईमान वालों मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों और उसमें से एक दूसरे के को ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरे लकब दो ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है और जो तोबा ना करें वही जालिम लोग हैं। सफा नंबर 4 पे है सर जरा जी आप इस पे तबसरा करना चाहेंगे या नहीं इनके जवाब पे मीडिया की बात हो रही है। इस आयत की रोशनी में जो बिलखसूस आयत नंबर 6 है सूरह हुजरात की और 11वीं जी 11वीं भी है और इससे आगे भी है सर फिर अहादीस की कंपाइलेशन भी है। अच्छा चलिए आप चाहते हैं पहले वो पढ़ लें। जी मैं सर अगर सिर्फ अहादीस बहुत ज्यादा है इस पे लेकिन मैं एक दो सिर्फ पढ़ूंगा सर। 12 नंबर आयत पढ़ते हैं जी 12 में सर 12 है जी सूरह हुजरात की ऐ ईमान वालों बहुत बदगुमानियों से बचो यकीन मानो के बाद बदगुमानियां गुनाह है और भेद ना टटोला करो और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है तुमको इससे घिन आएगी और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो ये पता नहीं है इनको इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं गीबत क्या होती है। ये अमेरिका की बात तो करते हैं 200 साल बाद पुरानी मगर कुरान शरीफ की बात नहीं हो रही। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर और गीबत क्या अब इससे मतलब इससे ज्यादा कोई घिनौनी चीज हो सकती है बजा फरमा रहे हैं कि गीबत कर क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद मतलब इससे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल बजा क्या लफ्ज होगा इसके लिए बिल्कुल बजा फरमा रहे सर। और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58 है सर और जो लोग मोमन मर्दों और मोमन औरतों को ईजा दें बगैर किसी जुर्म के जो उनसे सरजद हुआ हो वो बड़े ही बोहतान और सरीह गुनाह का बोझ उठाते हैं। और ये मेरे ख्याल में इनको जरा आप ये सारे के लिए शायद कुछ शायद नसीहत हो इनके लिए बिलाशुबा सर ये कॉपीज इनको मैं आई विल टेक अ कॉपी सर आई विल टेक अ आपको एक दिए भी है जी मैं सर दे देता हूं मैं ले लेता हूं हम आपसे नहीं करवाएंगे सारी नहीं सर मैं खुद कर लेता हूं सर मैं खुद कर लेता हूं कॉपी सर जी आगे पढ़ते हैं। और सूरह हुमजा है सर बड़ी खराबी है सफा नंबर 5 पे बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला हो। इसकी दूसरी आयत जो है वो नीचे बॉटम में है सर इसकी फिर फुकहा ने जो तशरीह फरमाई है वो ये है पहले तर्जमा उसका पढ़ दूं जो माल को जमा करता है और गिनता जाए कि गीबत करने वाला जो है ऐसा इसलिए करता है मैंने बहुत सारे फुकहा की फिर तशरीह पढ़ी कि उसको अपने जो मालो दौलत है उसका घमंड है और वो माल की उस गरूर और उस तकब्बर में ऐसा करता है कि लोगों की इज्जत उछालता है। ये तो फिर गीबत से पैसे भी कमा रहे हैं जी बजा फरमा ये तो एक दर्जा मेरे ख्याल से शायद बिल्कुल ऐसे ही सर। फिर सर मुख्तलिफ अहादीस हैं अगर मैं सफा नंबर 9 पे आपको ले आऊं सर बिल्कुल टॉप पे उसका अरेबिक वर्जन भी है और उर्दू में है हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अनु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरे रब ने मुझे मेराज करवाई तो मैं ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे जिनमें से वो अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे मैंने उनसे पूछा ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लोगों का गोश्त खाते थे यानी ये गीबत करते थे और उनकी इज्जतें खराब करते थे। अब ये सर इससे ज्यादा मेरा ख्याल है मुसलमान के लिए इससे आगे सफा नंबर 10 पे है
سیدنا تورت بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی یا اس کی توہین یا اس کو اذیت پہنچا کر کوئی لقمہ کھایا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرح کا لقمہ جہنم سے کھلائے گا جس نے کسی مسلمان کی اہانت کرنے کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی مثل کا لباس جہنم سے پہنائے گا اور جو آدمی کسی آدمی کی وجہ سے شہرت والے مقام پر کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن شہرت کے مقام پر کھڑا کریں گے۔ یہ کافی زیادہ احادیث سر میں نے اس میں کمپائل کی ہیں جو آپ نے تو کافی کام کیا ہے سر۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو مجھے بیک بائٹنگ پہ ایک جارڈینین اسکالر تھے میں نے ان کا پروفائل بھی دیکھا بہت ہی مستند یہ ورژن مجھے ملا پوری کتاب میں نے اس میں لگائی ہے جی غیبت کے متعلق اسپیسیفک ان کا اور تمام ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے پھر قرآنی آیات کی کمنٹری جو میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے پھر احادیث کو بہت ہی تفصیل سے۔ کون سے اسکالر تھے یہ سر؟ ہے میں نے صفحہ نمبر 13 سے لے کے 74 تک جی۔ ان کا نام کیا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہاں سے شروع ہوتا ہے جی